जब विराट का जब कैरेक्टर आया था तभी आई वॉज अप्रोच्ड फॉर द रोल और मैं किसी कारण नहीं कर पाया शो। मैं बस चाहता हूँ कि जिस तरीके से ऑडियंस ने पहले सीजन में सब लोगों को प्यार दिया उसी तरीके से हमें भी उतना ही प्यार दें। प्रेशर तो डेफिनेटली होता ही है क्योंकि क्या है ये ऑलरेडी सेकेंड थर्ड नंबर पर शो है। सो द ओनली वे इट कैन गो इज इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और इस कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स हैं, ग्राफ्स हैं जो मुझे क्रिएट करने हैं और उसे ढांचे में ढालना है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड वो किस तरीके से अनफोल्ड होता है और मैं बस चाहता हूँ कि जिस तरीके से ऑडियंस ने पहले सीजन में सब लोगों को प्यार दिया उसी तरीके से हमें भी उतना ही प्यार दें क्योंकि हम भी उतना ही एंटरटेन करने वाले हैं और शायद कोशिश करेंगे उससे थोड़ा सा और ज़्यादा एंटरटेन करें सो दैट वो हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत खुश हुआ मैं, रेखा जी इज़ अ लेजेंड, ब्यूटिफुल एक्ट्रेस और आई थिंक उन्होंने कभी एज ही नहीं किया है अपनी लाइफ में। वो जिस तरीके से वो उनकी मैं पुरानी फिल्में आज भी देखता हूँ और अभी भी वो वैसी की वैसी हैं। सो टू बी एसोसिएटेड विथ हर एंड एंड शी बींग यू नो एसोसिएटेड विथ दिस शो इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर अस और इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी इन द शो और जिस तरीके से उन्होंने प्रोमो में हमें इंट्रोड्यूस किया आई फील आई एम ब्लेस्ड। प्रेशर तो डेफिनेटली होता ही है क्योंकि क्या है ये ऑलरेडी सेकेंड थर्ड नंबर पर शो है। सो द ओनली वे इट कैन गो इज इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन एंड वी कैन अफोर्ड टू लेट इट गो डाउन। सो वो एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शोल्डर्स पे कि हम ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं और ऊँचाइयों को छुएँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूँ लेकिन कुछ कुछ किरदार हैं जो पुराने जो किरदार हैं वो मैं उनसे मिला हूँ और नील को तो मैं पहले से जानता हूँ, हमने आई थिंक करियर की शुरुआत ही ऑलमोस्ट साथ साथ में ही की थी, हमने कुछ एक प्रोजेक्ट में एक एड में साथ में काम भी किया था बहुत बहुत जमाने पहले आई थिंक मस्ट बी इन 2005 और 2006 में। सो या दैट्स हाउ आई नो हिम बट वी हैव नॉट बीन इन टच बट या आई नो ही इज अ ग्रेट एक्टर और सबके दिलों पे उसने राज किया इस शो से। सो आई फील दैट उसके लिए ये शो ब्लेसिंग था। इनफैक्ट मैं एक सच बताना चाहूँगा कि जब विराट का जब कैरेक्टर आया था तभी आई वॉज अप्रोच्ड फॉर द रोल और मैं किसी कारण नहीं कर पाया शो, तो मुझे बहुत दुख था कि मैं नहीं कर पाया वाला शो क्योंकि ये शो इतना हिट हो गया तो मुझे फोमो हो गया। लेकिन जब उसने जब ये शो परफॉर्म किया तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही डिज़र्व दिस शो क्योंकि उससे उसकी लाइफ पार्टनर भी मिली ये शो से। सो आई थिंक इट वॉज मेंट फॉर हिम एंड ही शुड हैव डेफिनेटली डन इट और उसको मिला भी और इसलिए सेकंड इनिंग्स शायद मुझे मिली क्योंकि मुझे फोमो हो गया था तो मैं अभी फोमो कंप्लीट कर रहा हूँ। दोनों लड़कियाँ बहुत स्वीट हैं, ग्राउंडेड है, नया नया शो है ना तो थैंकफुली किसी को एयर नहीं है अभी तक, नहीं तो हमारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक शो करते हैं और सब लोग अपने आप को शाहरुख खान समझने लगते हैं बट अभी ये बहुत ही ग्राउंडेड हैं और मैं कोशिश करूँगा इनको सारी एजुकेशन देने की कि ग्राउंडेड ही रहें तो और आगे तक जाएंगे। ये ऐसा लुक मुझे आज तक कोई भी शो में नहीं मिला है, मैंने हमेशा थ्री पीस सूट्स और सूट्स ही पहने, हमेशा लेयरिंग ही पहनी है तो इस शो में थोड़ा सा मुझे कूल लुक दिया है एक्चुअली। इनफैक्ट अ मिक्स ऑफ सूट्स ऑल्सो कैजुअल यू नो कैजुअल स्मार्ट कैजुअल्स दिए हुए हैं और साथ में ऐसा लुक्स भी दिए हैं, कार्गोज और जीन्स भी दिए हैं। सो वी आर नॉट स्टिकिंग टू वन लुक बट हम डिफरेंट डिफरेंट लुक्स करते रहेंगे जो जो मुझ पर अच्छे लगते हैं। फैंस को बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए शो को हमें और वी प्रॉमिस यू दैट वील एंटरटेन यू।